नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। आज डुमरियागंज थाने पर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ अजय कुमार श्रीवास्तव, यशो शैलेश कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी शिव कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। दीपावली त्योहार को देखते हुए एहतियात बरतने संबंधी एवं किसी भी प्रकार की असावधानी से बचने के लिए कहा गया। आम जनमानस के बीच त्योहार को लेकर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात का भी चर्चा हुई। जनता में त्योहार के माध्यम से सद्भावना एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसको लेकर पूरी तैयारियां की गईं। आइए देखते हैं श्रीकांत पांडे की रिपोर्ट। सर, दो दो त्योहार आया है, आपने पीस कमेटी की बैठक करी है और इसमें काफी कुछ लोगों को निर्देश भी दिया है, और इसको मतलब कैसे हैंडल करेंगे, किस तरह से सर, कुछ बताएं इसके विषय में। सर, ये आगामी त्योहार दीपावली, लक्ष्मी पूजन जी, और जो है छठ पूजा जी, इसके संबंध में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जी पूरे सर्किल में किया गया है जी। दीपावली के दिन जो है बताया गया है कि आप किस टाइप के पड़ाका, किस टाइप के आप मोमबत्ती जी, क्या क्या कैसे कैसे आप जलाएंगे जी, और उसी तरह छठ में जो सावधानियां हैं, जहाँ जहाँ छठ में प्रोग्राम होगा जी, वहाँ वहाँ की व्यवस्था यो नगर पालिका, बिजली विभाग, इनसे को भी बताया गया कि ये वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, और वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था होगी पर्याप्त पुलिस फोर्स लगा करके व्यवस्था बनाई गई। मीडिया माध्यम से सर क्या संदेश देंगे लोगों को? मीडिया माध्यम से यही है कि सभी लोग को इस त्यौहार, दोनों त्यौहार, आगामी त्यौहार जो है, सभी लोगों को ढेर सारी बधाई हो जी। और सभी लोग शांतिपूर्वक शांति व्यवस्था मनाने के लिए पुलिस का सहयोग, प्रशासन का सहयोग।